Hi guys, welcome to Brand Channel. I am Zuhaib Sandhu and you are watching Brand Channel. So viewers, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि Google Keyword Planner क्या चीज़ है और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एक क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं और अगर आपने अभी से अपने चैनल को स्टार्ट किया है, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है और आप अपने एक राइट प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो को देखने के लिए. तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो मैं बात आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है और गूगल कीवर्ड प्लानर एक्चुअली है क्या है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि गूगल कीवर्ड प्लानर जो है एक गूगल का, पहले तो गूगल से अलग एक प्लेटफॉर्म था, प्लानर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था और इसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप अपनी वीडियोज के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बाद के अंदर व्यूअर्स इसको जो है गूगल वालों ने इसे बाय कर लिया और इसे अपने यूट्यूब का ही, गूगल का ही एक हिस्सा बना लिया है. इसके लिए भी आपको सिंपली फर्स्ट पे आप क्या करना पड़ता है, अगर आपके पास जो है एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो आपको पहले एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जस्ट सिंपल आपने गूगल करना है. आफ्टर ओपनिंग गूगल आपने सिंपल व्यूअर्स यहाँ पर टाइप कर लेना है. ओके, आई फर्स्ट ओपन गूगल एंड देन क्लिक ऑन हेयर एंड टाइप गूगल कीवर्ड प्लानर. तो यहाँ पर हमने गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो यूज़ करना है. लेकिन मैं यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात जो है नोटिस आपको दिलवाना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले व्यूअर्स हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना एडसेंस का अकाउंट आपके पास होना लाजमी है. मैं आपको जस्ट सिंपल बताऊंगा कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ किस तरह से करना है. हमने इस पे एंटर प्रेस कर देना है. तो उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास इस तरह सा कुछ इंटरफेस आएगा, लेकिन हमने सिंपल जो है इस वाले सेकेंड वाले ऑप्शन को यूज़ करना है. ओके, तो इस तरह से ओपन होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह सा होगा, प्लानिंग हमारी आएगी. और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने सिंपल व्यूअर्स यहां पर साइन इन पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है एडसेंस का बनाना होगा और उसके बाद जो है आपने फर्दर प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करना है. लेकिन यहां पर मैं सिंपल यहां पर गूगल कीवर्ड प्लानर पर ही क्लिक कर देता हूँ. ओके, तो जिस व्यूअर्स जैसे ही हमारा पेज ओपन होगा यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे. अगर आप फर्स्ट टाइम पे होंगे तो आपको ये वाला जो इंटरफेस है वो आपको नहीं दिखाई देगा फर्स्ट टाइम पे. तो आपने सिंपल यहाँ पर जो आपको राइट साइड से अपनी स्क्रीन के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टूल्स एंड सेटिंग, ये आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और सिंपल यहाँ से प्लानिंग के ऑप्शन पर आना है. और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से कीवर्ड प्लानर के ऑप्शन को यूज़ कर लेना है. ओके, एक तो ये मेथड था. और अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन शो हो रहा हो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो आपने सिंपल यहाँ पर एरो हेड पे क्लिक कर देना है. और इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है कीवर्ड प्लानर जो है गूगल का ऑफिशियल जो है वो हमारे पास ओपन हो चुका है. और जिस कीवर्ड को हमने ओपन करना है, जिसको सर्च करना है, वो हमने यहाँ पर टाइप कर देना है. चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग. ऑनलाइन अर्निंग जो भी आपने कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप किया है, उसे टाइप करने के बाद आपने कीवर्ड को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने अपने कीबोर्ड से एंटर जो है वो फर्स्टली प्रेस कर देना है. उसके बाद व्यूवर्स हमने क्या कर देना है, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर गेट रिजल्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है. और उसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स जो होंगे वो हमारे पास सामने आ जाएंगे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा टॉप पे रिज़ल्ट आ रहा है, जो हमने कीवर्ड सर्च किया है ऑनलाइन अर्निंग, वो हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो ये हमारा कीवर्ड रहा व्यूवर्स. और यहाँ पर मैं आपको फर्स्टली यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कॉलम हमारे पास, इसके अंदर जो है वो हमारे कीवर्ड्स हैं और सेकंड वाले कॉलम के अंदर जो है हमारी मंथली एवरेज जो सर्चेज हैं वो शो कर रहा है. और थर्ड कॉलम के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कंपटीशन है. और इसके बाद जो है हमारा वो रेट्स हैं. तो चलिए मैं आपको आप प्रॉपरली वो बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप. तो व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ.
अगर आप अभी क्रिएटर जो हैं वो न्यू हैं, आप जो हैं वो ऐसे जो हैं यूज़ कीजिए कीवर्ड्स व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हों, यानी जिनके कह लें कि उनकी जो कंपटीशन है वो लो हो या मीडियम हो, ऐसे कीवर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए जिनके यानी कि एवरेज मंथली जो सर्चेज हैं मंथली बेसिस पे जो इनकी ज़्यादा हों, जो सर्च ज़्यादा किए जाते हों, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हमें यूज़ करना होंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि हमारा कीवर्ड जो हमने सर्च किया है ऑनलाइन अर्निंग, वो सर्च किया जाता है व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से 1K से 10K तक वो सर्च किया जाता है एक महीने के अंदर। और उसके बाद जो हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कंपटीशन जो चीज़ बताई जा रही है उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब, इसका मीन ये है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, बना चुके हैं, तो इसलिए वो हमारी वीडियो जो है उसके चांसेस जो हैं रैंक होने के वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। इसलिए हमें ऐसा कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं करना अपनी वीडियोस के अंदर। के बाद व्यूवर्स यहाँ पर जो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के क्रिएटर हैं तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि अगर आपने, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि अगर आप छोटे लेवल के मेरी तरह भी क्रिएटर हैं तो आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ कीजिए जिनकी जो है इनकम के लिहाज से आप मत उनको देखिएगा। तो अगर आप, आपका स्टार्ट हो चुका है और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने रेट को भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चार्जेस बताए गए हैं, यहाँ पर मतलब कि जो रेट बताया गया है इस कीवर्ड का जिसके ऊपर जो एडवर्टाइज़र पे करेगा वो कीवर्ड जो है उसके ऊपर, ये ऑनलाइन अर्निंग का कीवर्ड, उसके ऊपर जो रेट व्यूवर्स एडवर्टाइज़ पे करेगा $0.3 जो है उसका इनिशियल जो है रेट होगा, और ये हाईएस्ट उसका रेट जो होगा उसका एंडिंग रेट जो होगा वो $0.45 होगा। तो इस तरह से ये कुछ आपको सीन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अपना स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से ये हाई है, ये हाई है, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है मीडियम आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका रेट तो अलबत्ता बहुत डाउन है, मैं तो नहीं कह सकता अलबत्ता, बट मैंने आपको जिस तरह से स्टार्ट में ही अभी दो दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, हमें वो वाले कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे जिनके जो है व्यूज़ अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा हों, हमें इनकम से कोई फर्ज नहीं है। तो इस तरह से आपने इस तरह के कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने होंगे। तो चलिए व्यूवर्स, मैं यहाँ पर एक और आपको कीवर्ड जो है वो करके बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, सिंपल आपने जो भी कीवर्ड अपना टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पर ये वाला कीवर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है YouTube, यानी के सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद गेट रिजल्ट्स के ऑप्शन पर जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक हमें करना होगा। और व्यूवर्स यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, तो जी व्यूवर्स YouTube जिस तरह से हमने यहाँ पर सर्च किया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं। और जो है फर्स्ट पे जो हमारा YouTube कीवर्ड है वो जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है उसके कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं इस कीवर्ड के ऊपर, इस लफ्ज़ के ऊपर जो हम अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके व्यूवर्स जो एवरेज मंथली जो हैं, कह लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़े के मुताबिक जो एवरेज की, वो मतलब ये कहने के कि जिस तरह से ये एग्जैक्ट तो रेट नहीं होता अलबत्ता, लेकिन जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 मिलियन टू 10 मिलियन, यानी 1 लाख से 10 लाख, 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं 10 लाख होते हैं, और 100 लाख तक यानी 10 मिलियन तक जो है यहाँ पर इसका सर्च है इस कीवर्ड YouTube का। लेकिन कंपटीशन इसका बहुत ज़्यादा लो है, और लेकिन यहाँ पर जो इसका बिड रेट है वो $0.1 to $0.15 तक है। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर पसंद आए तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।